डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, हम लोग क्लास फाइव के मैथ को बना रहे हैं और ये चैप्टर सेवन है। चैप्टर सेवन का एक्सरसाइज 39 में पहले दे चुका हूँ। इस चैप्टर का नाम है डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव, जो हम लोग लगाते हैं, पॉइंट जिसे कहते हैं। ये पॉइंट दिया गया है इस तरह का, तो इस पॉइंट को ही डेसिमल बोला जाता है। और इसका मैथ किस प्रकार से बनाते हैं इस चैप्टर में हम लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज 40 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर वन में पढ़ते हैं, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब इसको विस्तार करना है, बड़ा करना है, बड़े रूप में लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो सबसे पहले आप जो है इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे हंड्रेड्स है, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, डेसिमल, मतलब पॉइंट जो है यहाँ पे पॉइंट हो गया। और इसके पॉइंट के इधर जो नंबर आ गया वो वंस, टेंस, हंड्रेड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। और पॉइंट के बाद जो आता है वो टेंथ्स, टेंथ्स मतलब वन बाय टेन, हंड्रेड्स मतलब वन बाय हंड्रेड, और थाउजेंड्स मतलब वन बाय थाउजेंड, मतलब ये दसवां भाग होता है और ये सौवां भाग होता है, ये हज़ारवां भाग होता है। इस तरह से ये पॉइंट में चलता है। सपोज दैट कोई नंबर हम लोग लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं थ्री, इस तरह का एक नंबर लिख लेते हैं। तो ये नंबर कहाँ कहाँ जाएगा, जैसे कि ये थ्री हो गया, ये हंड्रेड प्लेस, वन टेंस हंड्रेड, हंड्रेड प्लेस पर जाएगा, तो ये थ्री यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फोर यहाँ पर आ जाएगा टेंस प्लेस पर, वंस जो है ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट हो गया, फिर फाइव जो है टेंथ प्लेस पे, तो यहाँ फाइव हो गया। फिर यहाँ पे टू हंड्रेड प्लेस पे और थाउजेंड्स प्लेस पे थ्री हो गया। तो इस तरह से ये चलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब अगर इसको ठीक से समझ जाते हैं आप, तो ये पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर का जितने भी हिसाब है सब इसी मेथड के आसपास घूमता हुआ नजर आएगा आपको। तो आप इसको समझ जाइए, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर वन को पढ़ते हैं, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि बड़े फॉर्म में लिखना है, विस्तार रूप में लिखना है इसको। तो ये जो लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में है ये, और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया फाइव, फाइव वंस प्लेस पे है तो फाइव ही होगा, फाइव प्लस जीरो पॉइंट जीरो थ्री, ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी में इसको अगर हम लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा टेन प्लस टू प्लस जीरो पॉइंट एट प्लस जीरो पॉइंट जीरो नाइन, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में इसका आंसर हो जाएगा, हम यहाँ पे दे देते हैं, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी का यहाँ पे आंसर दे देते हैं हम, यहाँ हो जाएगा टेन प्लस, टेन प्लस के बाद वंस में कुछ भी नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं देना है, और यहाँ पे जीरो पॉइंट जीरो में भी कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो पॉइंट जीरो फाइव, ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में लिख सकते हैं हम फोर, फोर्टी हो गया प्लस वन प्लस, यहाँ पे टू है तो जीरो पॉइंट टू फर्स्ट में प्लस हो गया, फिर जीरो पॉइंट कुछ भी नहीं है यहाँ, और सेकेंड में नहीं है तो हम डायरेक्ट इसको इसको नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स, ये इसका आंसर हो गया, ये हो गया कंप्लीट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, फिल इन द प्लेस होल्डर्स, प्लेस होल्डर्स, जैसे कि इसको मैंने बताया कि यहाँ पे जिस तरह से ये चलता है, तो उसी तरह से इसमें हो जाएगा, जैसे मतलब है कि नाइन बाई टेन है, इसको टेंथ भाग में बांटा गया है, इसको हंड्रेड भाग में बांटा गया, तो सिंपली इसको वही भरना है। यहाँ पे नाइन है, नाइन बाई टेन, पॉइंट के जस्ट बाद जो हो उसमें बाई टेन हो जाता है, और उसके बाद हो तो बाय हंड्रेड, और उसके बाद हो तो बाय थाउजेंड, तो यहाँ पे फोर है तो फोर बाय हंड्रेड हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया, बस इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पे ट्वेल्व है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है, जैसे यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको मैंने बतलाया वन नंबर में, तो यहाँ पे इस तरह का भी एक्सपेंडेड फॉर्म होता है और आप इस तरह का भी एक्सपेंडेड फॉर्म कर सकते हैं, दोनों सिंपल, दोनों सेम ही है। जैसे टेन हो गया तो यहाँ टेन ले लिए, और ट्वेल्व है यहाँ पे तो यहाँ टू ले लेते हैं, टेन और टू ट्वेल्व हो गया। उसके बाद फाइव, फाइव के बाद जो है या तो जीरो पॉइंट फाइव लिखेंगे या फिर फाइव बाई टेन लिखेंगे, फर्स्ट में है पॉइंट के बाद फर्स्ट में रहेगा तो टेन लिखेंगे, इस बात को ध्यान में आप लोग रख लीजिए कि फर्स्ट वाला जो है टेंथ हो गया, सेकेंड वाला हंड्रेड और थर्ड वाला थाउजेंड, मतलब इस तरह से बढ़ते जाएगा, तो इससे ज़्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं पड़ेगा, थाउजेंड तक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है, इसके बाद थ्री हो गया तो यहाँ पे हो गया हंड्रेड, थ्री बाय हंड्रेड हो गया, बस यही इसका आंसर है।
सी नंबर में वन, वन के लिए तो वन दिया हुआ है यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे देख रहे हैं जीरो है, पॉइंट के जस्ट बाद जीरो है, मतलब वो नहीं लिखाएगा, और सिक्स के लिए लिखाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे हंड्रेड दिया हुआ है पहले से, तो यहाँ सिक्स डाल देते हैं, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में फाइव दिया हुआ है, तो यहाँ फाइव दिया हुआ है, प्लस प्लस सिक्स के लिए टेन हो जाएगा, तो सिक्स दिया हुआ है तो टेन हो गया। और यहाँ पे, यहाँ पे जीरो के जगह पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, हंड्रेड के जगह पे नहीं है, और ये थाउजेंड के जगह पे है, तो फाइव बाय थाउजेंड हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया थाउजेंड, ये हो गया इसका आंसर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट इन शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि हम लोग इस तरह का जो वन नंबर में बनाए थे इतना बड़ा, तो इसको अब शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करना है तो काफ़ी आसान है, तो फाइव जो है पॉइंट से पहले आ गया, फाइव हो गया, और पॉइंट के जस्ट बाद थ्री है, तो थ्री लिख देंगे, और थ्री यहाँ पे एक पॉइंट, पॉइंट के वन के बाद टू, दूसरे नंबर में जो है फोर है, तो यहाँ दूसरे नंबर फोर लिख दिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। टेन और टू ट्वेल्व हो गया, उसके बाद पॉइंट यहाँ से चलना शुरू हुआ, तो यहाँ पे ट्वेल्व हम लिख दिए पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के बाद वन हो गया, और पॉइंट के बाद फिर यहाँ पे थ्री हो गया, थ्री, तो ये आंसर हो गया कंप्लीट। सी नंबर में एट, एट पॉइंट, एट तो पॉइंट से पहले है, पॉइंट दिए, और फर्स्ट में नहीं है, तो नहीं है मतलब जीरो देंगे, सेकंड में एट है तो एट दे दिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, हो गया। थर्टी फाइव, तो थर्टी फाइव हो गया, थर्टी फाइव पॉइंट, पॉइंट के बाद टू, पॉइंट के बाद टू दिए, और यहाँ पे पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पे है, इसका मतलब है कि दूसरा नंबर जो है वो खाली रहेगा, हंड्रेड्स के प्लेस और थाउजेंड्स के प्लेस पे सिक्स आएगा, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर में सबसे पहले हम लोग को यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद पता चलेगा। राइट इन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन ईच केस। यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, एक प्लेस वैल्यू बनाने के लिए बोल रहा है, तो प्लेस वैल्यू जो फर्स्ट में हम आप लोगों को दिखाए थे एक चार्ट, वही प्लेस वैल्यू है, और उसके हिसाब से इसको बनाने के लिए कहा गया। तो कलर जो डिजिट है, जो नंबर कलर है, उसको बनाने के लिए क्या है, उसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कहा गया। तो जिसमें कलर है उसको मैंने टिक कर दिया, यहाँ पे सब तो रेड कलर ही है, तो ये टू है, ये वन है, फाइव और इसमें एट, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 0.2, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जीरो हो गया 0.2 इस तरह से, उसके बाद 0.01, 0.01 ये हो गया, और इसमें, इसमें भी वही हो जाएगा 0.05 ये हो गया, और यहाँ पे 0.00008 ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, और ये इसका आंसर हो गया, ये हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे एक्सरसाइज 40 पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। बच्चों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से मदद मिल रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।